प्रशांत कुमार ने कहा कि बिहार की पूर्वजों पूरे देश भर राज किया है, लेकिन आज बिहार के लड़कों को पढ़ाई पर और मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गाली खानी पड़ती है। जन सुराज पद यात्रा के दौरान सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लड़के पढ़ने और मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां उनको बिहार कहकर संबोधित किया जाता है। कोई कहता है कि बिहारी मतलब बेवकूफ, कोई उनको तमिलनाडु में थप्पड़ मार देता है, कोई महाराष्ट्र में मार देता है। ये हमारी और हमारे बच्चों की दुर्दशा है। बिहार के पूर्वजों ने देश पर राज किया है। 1500 सालों तक देश की राजनीति बिहार से चली है और आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है कि हमारे लड़कों को पढ़ने के लिए और मजदूरी के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता है, वहाँ उनको जलील की जिंदगी जीनी पड़ती है। अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो इसके बाहर निकलना पड़ेगा। संकल्प लीजिए कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हमारा बच्चों को पढ़ने और रोजगार के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े। स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। नारा काहे लगवावत तन, देखिए बिहार से हमनी के लड़का जाता है सब बाहर पढ़े, कुछ आदमी जाता मजदूरी करे, जहां बिहार के आदमी जाता उस आदमी को बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, कोई तमिलनाडु में दो थप्पड़ मार देलस, कोई महाराष्ट्र में मरलस, कोई गुजरात में मरलस। हमने के जो दुर्दशा बा, हम लोग के पूर्वजों ने इस देश पर राज किया है। 1500 साल तक देश की राजनीति बिहार से चली है और आज हमने के दुर्दशा देखी। हमने के लड़का पूरा बिहार भारत में घूम के कोई पढ़े खातिर कोई मजदूरी खातिर जलालत के जिंदगी जी रहा था। अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। संकल्प लीजिए, बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए पूरे भारत में घूमकर जलील नहीं होना पड़े। ये जिम्मेवारी